तो सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का एक्टिविटी नंबर 2.6। इस एक्टिविटी में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग बेस में फिनोल्फथलीन मिलाने वाले हैं। बेस हम जानते हैं बेटा, फिनोल्फथलीन को अगर बेस में डालते हैं उसका कलर चेंज हो जाता है और एसिड में वो कलरलेस हो जाता है। ठीक है, तो फिनोल्फथलीन जो है बच्चों, अगर मैं फिनोल्फथलीन पाउडर की बात करूँ, देखो ये फिनोल्फथलीन पाउडर है, ये पाउडर जो होता है ये कलरलेस होता है। आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये कलरलेस होता है, दिख रहा है आपको, कलरलेस पाउडर है। लेकिन वाटर में मिलाते ही इसका कलर हो जाता है पिंक। ठीक है, वाटर में मिलाते ही इसका कलर पिंक हो जाता है। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखा दूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा, ये वाटर है इसके अंदर, मैं यहाँ पे आपको मिक्स करके दिखाता हूँ थोड़ा सा। अभी देखो, आप देखो होने लगे ना। तो वाटर में मिलाने के बाद इसकी एक ऐसा बन जाता है, तो वही मैंने बनाया है यहाँ पे, ये मैंने बनाया है। ठीक है, कम वाटर लिया था तो इसलिए डार्क दिख रहा है आपको, मैंने ये बनाया था अभी यहाँ पे। और ये हमारा है क्या, कॉस्टिक सोडा, यानी कि बेस है हमारा बेस। तो इस बेस में मैं क्या करने वाला हूँ, फिनोल्फथलीन डालने वाला हूँ। तो देखते हैं बेस में फिनोल्फथलीन डालेंगे तो क्या होगा। ये हमारा बेसिक सॉल्यूशन है, इसमें डालने वाला है फिनोल्फथलीन। चलिए देखिए, एकदम डार्क पिंक हो गया, दिख रहा है, बिल्कुल डार्क पिंक। तो हम जानते हैं बेस में क्या हो जाता है, वो डार्क पिंक हो जाता है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको एसिड में मिला रहा हूँ। ठीक है, ये मेरा एसिड है। ठीक है, इस एसिड में इस सॉल्यूशन को मिला रहा हूँ, देखते हैं क्या होता है, कलर गायब। देखा मैजिक, मैजिक देखा क्या आपने, कलर गायब हो गया। अभी मैं फिर से इसमें मिलाऊंगा, फिर से कलर आ जाएगा। मैं क्या करता हूँ, ड्रॉप मतलब फिर से इसमें मिलाऊंगा, देखिए फिर से कलर हो गया। ठीक है, तो मतलब क्या पता चला आपको, आपको पता चला कि भाई हमने क्या किया, हमने यहाँ पे जैसे मैं बोल रहा हूँ आपको कि हमने लिया था पहले फिनोल्फथलीन, फिनोल्फथलीन, ठीक है, फिनोल्फथलीन लिया था भाई। ठीक है, और हमने उसको बेस में मिलाया था, यानी कि कॉस्टिक सोडा मिलाया था NaOH, तो वो एकदम डार्क पिंक हमको दिख रहा था। ठीक है, डार्क पिंक दिखने लग गया। ठीक है, लेकिन फिर से मैं इस सॉल्यूशन को मैंने क्या किया, एसिड में मिला दिया। तो जैसे ही मैंने एसिड में मिलाया तो क्या देखा कि मैंने वो कलरलेस हो गया। जैसे ही एसिड में मिलाया मैंने क्या देखा, वो कलरलेस हो गया भाई, कलरलेस मतलब उसका कोई कलर ही नहीं रह गया, है ना। और मैं अगर फिर से क्या किया, मैंने इस कलरलेस सॉल्यूशन को फिर से किस में डाल दिया, फिर से मैंने डाल दिया उस बेसिक में सॉल्यूशन में, है ना, NaOH में फिनोल्फथलीन के साथ। तो फिर से हमने देखा, फिर से डार्क पिंक आ गया, फिर से डार्क पिंक आ गया। मतलब आपको क्या पता चला, आपको ये पता चला कि भाई जैसे ही हमने एसिड और बेस को दोनों को मिक्स कर दिया था वो न्यूट्रल हो गया था। यानी कि एसिड को अगर मारना हो ना, एसिड को मारना हो ना तो बेस की ज़रूरत है, और बेस को मारना हो ना तो एसिड की ज़रूरत है। तो एसिड और बेस बनाते हैं सॉल्ट एंड वाटर, इसीलिए आप बार 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 इसे रिपीट करते रहोगे, कलर चेंज होगा। ठीक है, पिंक हो जाएगा फिर कलरलेस, फिर पिंक हो जाएगा फिर कलरलेस। मतलब इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला कि एसिड का काट है बेस और बेस का काट है एसिड। एसिड को मारना है तो बेस का इस्तेमाल करो, बेस को मारना है तो एसिड का इस्तेमाल करो। तो ये बात थी भाई किसकी, कि किस तरह फिनोल्फथलीन जो है वो बेस में कलर चेंज करता है, और वापस उस सॉल्यूशन को एसिड में डालते हैं तो फिर से हमारा कलर वापस आ जाता है। ठीक है, यानी कि एसिड का काट बेस और बेस का काट एसिड। ओके।